नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोर्ट अपडेट यूपी टेट 2018 मामले में आज सुनवाई का सार है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कोर्ट से अपडेट है यूपी टेट की, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में घंटी का चिन्ह है इसको भी दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोर्ट अपडेट यूपी टेट 2018 मामले में आज सुनवाई का सार बता रहे हैं। कोर्ट अपडेट यूपी टेट आज यूपी टेट 2018 मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में मास्टर जज इरशाद अली की बेंच में हुई। कोर्ट ने वादी पक्ष को गंभीरता से सुनते हुए कहा है कि 17 दिसंबर तक सरकार परीक्षा नियामक अपना जवाब काउंटर के रूप में दाखिल करें। इस पर हमारे अधिवक्ताओं ने कहा है कि मिलॉर्ड सरकार बहुत जल्दी में काम कर रही, ये इतनी जल्दी काउंटर नहीं लगाने वाली। इस बात जज साहब ने सरकार के वकील से कहा है कि यदि 17 दिसंबर तक अपना जवाब नहीं आया तो कोर्ट इन याचिकाओं को परीक्षा में बैठने के लिए प्रोविजनली अनुमति दे देगी। इस पर सरकार के अधिवक्ता ने हामी भर दी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 17 दिसंबर नियत कर दी। टीम जो चाहती थी उसका श्री गणेश हो गया। अब तो स्पीड पर ऐसा ब्रेक लगेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जल्द ही टीम एक सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर लेकर कोर्ट में उतरने वाली है। अगर जो है जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।